थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके प्यार की वजह से हमने आज 11,000 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं। इसी बात पे मैं आगे जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें और ज्यादा कंटेंट पे फोकस करूंगा। आपका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट किए बिना आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। आगे आने वाली वीडियोस में ना होगा इंट्रो ना होगा आउट्रो, मुझे पता है आप सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो नोटिफिकेशन आया था अगस्त में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें जो दिया गया था क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जॉब प्रोफाइल यानी कि जॉब आइडेंटिफिकेशन, यानी कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को आखिर करना क्या पड़ेगा, उसके रोल्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखना और समझ लेना कि आपको आगे चल के क्या काम करना पड़ेगा। इस क्लिनिकल फार्मासिस्ट सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि आखिरकार क्लिनिकल फार्मासिस्ट पोस्ट की हिस्ट्री क्या है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट पोस्ट की डेफिनेशन क्या है। अमेंडमेंट में एक और जॉब भी दिया गया था, ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट, वो क्या है उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में जाना। और हमने लेटेस्ट प्रपोज अमेंडमेंट 2015 की PDF कॉपी भी देखी थी, तो उससे आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो मैं ऊपर कार्ड दे दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, जरूर चेक करना। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता क्या है? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा आदमी जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। पहली शर्त तो है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, जो पेशेंट को केयर देता है और मेडिकेशन का यूज ऑप्टिमाइज करता है। मतलब किसी को कम मेडिकेशन भी नहीं दी जाएगी और किसी को ज़्यादा भी नहीं दी जाएगी, जिसको जितनी मेडिकेशन चाहिए होगी उसको उतनी देना काम होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो होता है जो हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट करता है, जो आपको बताएगा कि आप हेल्दी कैसे रह सकोगे, जो आपको बताएगा कि आप वेल कैसे रह सकेंगे, आपका माइंड वेलबींग में कैसे रह सकेगा। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो होता है जो डिसीज प्रिवेंशन के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताता है कि आप ये करिए ये ना करिए ताकि आपको ये डिसीज ना हो। क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट की केयर करता है सारे हेल्थ केयर सेटिंग्स में, भले ही वो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल हो, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हो या फिर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। एंड द फोर्थ मेन वर्क जो कि डिफाइन करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को कोलैबोरेट करना होता है काम करते वक्त फिजिशियंस के साथ और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि वो उसका जो काम है वो और अच्छे से कर पाए और फिजिशियंस की और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भी हेल्प हो। अब फिजिशियंस कौन है? फिजिशियंस होते हैं MBBS, MD, DM वगैरह। तो ये जो पांच की एलिमेंट्स थे वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के डेफिनेशन में ही थे, मतलब ये पांच चीज़ें उसको करनी ही करनी है तभी वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहलाएगा। अब जानते हैं जॉब आइडेंटिफिकेशन के बारे में। जॉब आइडेंटिफिकेशन मतलब वो जॉब किस नाम से जानी जाएगी जब वो मार्केट में आएगी, तो उसका नाम होगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट। सबको पता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, अगर आप इस जॉब पे जाओगे तो सब आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट कह के बुलाएंगे, हेलो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हाउ आर यू। और जॉब लोकेशन होगी हॉस्पिटल्स, एक स्पेसिफिक बेड का काउंट होगा उस बेड के काउंट पे, मतलब 250 बेड पे एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फिर 500 बेड पे एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मतलब 500 बेड पे जितने पेशेंट आते हैं। पॉसिबली प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 500 बेड पे 500 ही पेशेंट आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे 500 बेड पे और भी ज़्यादा पेशेंट आ सकते हैं, तो सभी पेशेंट को आपको सर्विस देनी पड़ेगी। तो अभी जानते हैं पर्पज, आखिरकार क्यों क्लिनिकल फार्मासिस्ट का पोस्ट लाया गया। पेशेंट को पूरी तरह से केयर प्रोवाइड करना और उसको ज़्यादा मेडिकेशन ना जाए या कम मेडिकेशन ना जाए इस चीज़ का ध्यान रखना, हेल्थ को प्रमोट करना, वेलनेस को प्रमोट करना और डिसीज को प्रिवेंट करने की स्ट्रैटेजीज क्रिएट करना, दूसरे फिजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करके या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट को अच्छी केयर देना। अब हम जानेंगे कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब ये काम उस क्लिनिकल फार्मासिस्ट को करने ही करने हैं, मतलब ये काम उसको करने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्क्रीन पर मैं हिंदी में बताऊंगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या क्या मेडिकेयर पेशेंट को लग रही है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट को देखना पड़ेगा कि सारे पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट दी जा रही है उसके साथ पेशेंट्स का कंप्लायंस अच्छा हो। क्लिनिकल फार्मासिस्ट को फार्मेसी स्टाफ और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर मेडिकेयर एंड रेगुलर इंटरवेंशंस हो रहे हैं कि नहीं ड्रग के अनुसार। इंटरवेंशंस क्या होता है? अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो हमको देखना पड़ता है कि ड्रग प्रॉपरली दी जा रही है या नहीं, ओवरडोसेज या फिर पॉलीफार्मेसी या फिर अननेसेसरी इंडिकेशन पे ड्रग दिया गया हो तो उसे प्रिवेंट करना पड़ता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ाती है, तो कंप्लायंस बढ़ाना रेगुलेट करना पड़ेगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट को। रेगुलर इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कितनी ड्रग्स का यूज़ हो रहा है, कौन सा डोज दिया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं उससे ड्रग ड्रग रिएक्शन ना हो या फिर ड्रग फूड रिएक्शन ना हो पेशेंट्स को, वो भी इंश्योर करना पड़ेगा। अगर हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और उसको अल्टरनेटिव्स कौन कौन से दे सकते हैं वो भी बताना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना है, किस चीज़ के साथ लेना है, किस चीज़ के साथ नहीं लेना है, वो सब पेशेंट को समझाना पड़ेगा।
उसको ये भी देखना पड़ेगा कि लॉज एंड रेगुलेशन सही से फॉलो की जा रही है या नहीं। ड्रग्स एडमिनिस्टर करने के बाद बहुत सारे लैबोरेटरी टेस्ट होते हैं पेशेंट्स पे, तो उस लैबोरेटरी टेस्ट का जो भी डेटा आ रहा है उसको गैदर करने का, मेंटेन करने का और एनालाइज करने का, उसमें देखने का कि ड्रग देने के बाद पेशेंट को क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसके पैरामीटर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, और उसको इंटरप्रेट करने का, इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसको रिकॉर्ड करने का और वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, वो इन्फॉर्मेशन असेसमेंट करने के बाद आपको अगर लगा कि डोसेज चेंज करना चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट भेजने की फिजिशियंस को। हॉस्पिटल्स में फार्मेसी केयर के प्लान्स होते हैं, उसको अच्छे से एडमिनिस्टर करने का, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में होगा, और जो भी पेंडिंग फार्मेसी केयर के प्लान्स थे उनको कंप्लीट करने का, जो भी मेडिकेशंस अवेलेबल है, जो भी मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है वो सारी मेडिकेशंस का रिकंसिलिएशन करने का। बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारी प्रिपरेशंस अपने को बना के देने पड़ते हैं, या फिर आईवी इन्फ्यूजन्स होते हैं जो कि आपको इन विट्रो ही देने पड़ते हैं, तो उसके लिए स्टराइल कंडीशंस ज़रूरी होती है, तो स्टराइल कंडीशंस मेंटेन हो रही है या नहीं ये देखने का, ताकि उस पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो या फिर सेप्सिस ना हो। जो भी हॉस्पिटल में मेडिकेशंस अवेलेबल है या फिर इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उसको चेक करने का रेगुलरली, उसकी एक्यूरेसी और फंक्शनिंग चेक करने की, जैसे कि बहुत सारे फॉर्मुलेशंस होते हैं जैसे कि पेसरीज वगैरह, तो उनको यूज करने के लिए अपने को इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं वो भी चेक करने का, और उसकी रिपोर्ट बनाने की और सबमिट करने की, फिजिशियंस और पेशेंट्स के साथ सारे लीगल कम्युनिकेशंस मेंटेन करने के, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने का, पेशेंट की कोई हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसको हेल्प करने का, वो हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में, सारे पेशेंट का मेडिकेशन रिकॉर्ड मेंटेन करने का और देखने का उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है या नहीं, देखने का उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, उस रिकॉर्ड से या फिर उस रिपोर्ट से आपको पता चल सकता है कुछ साइड इफेक्ट्स या फिर इंटरेक्शन हो गए हैं, तो उस इंटरेक्शंस को ट्रैक करने का और आगे वो ना हो सके उसके लिए क्या कर सकते हो, उसकी स्ट्रैटेजी बनाने की। अब आपने जो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन ली है, उससे आपको ड्रग यूज़ इवैल्यूएशन करने में आसानी होगी, जिसका फ़ायदा आपको मेडिकेशन यूज प्रोसेस में होगा। मेडिकल केस मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, जो भी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन से हमको पता चल गया कि ये पेशेंट हाई रिस्क पे है, उन हाई रिस्क पेशेंट्स को फर्दर रिस्क रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। पेशेंट एसोसिएटेड मीटिंग्स जो होती है, केस स्टडीज जो होती है, केस प्रेजेंटेशन जो होते हैं उसको अटेंड करना, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना, पेशेंट और ड्रग रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना। कभी कभी हम जिस वार्ड में नहीं होते, जिस सेक्शन में नहीं होते, उधर अगर किसी फिजिशियन ने अपने को ऑन कॉल बुलाया तो उसको अटेंड करना, उसको ड्रग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल में मेडिकेशंस पे जितना खर्चा हुआ है, कितनी सेविंग्स हुई है उसको मॉनिटर करना, हर हॉस्पिटल में थेरापोटिक एंड फार्मेसी कमेटी होती है, उनकी मीटिंग्स को अटेंड करना, उनमें पार्टिसिपेट करना। जब क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की पोस्ट निकलेगी और जो भी स्टार्टिंग में क्लिनिकल फार्मेसिस्ट बनेंगे उनको एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा प्रोटोकॉल, जो आगे चल के बाकी के क्लिनिकल फार्मेसिस्ट फॉलो कर पाएंगे। और अगर आगे चल के आप क्लिनिकल फार्मेसिस्ट बनते हो और आपको लगता है कि उस प्रोटोकॉल में कुछ अमेंडमेंट करना है तो आप वो कर सकते हो। हॉस्पिटल में जितने भी क्लिनिकल प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनको सपोर्ट देना, और जितनी भी मेडिकेशन प्रोसेस होती है, सर्जरी में होती है या फिर मेडिसिन डिपार्टमेंट में होती है या फिर कौन से भी डिपार्टमेंट में होती है जहाँ पे आप पोस्टेड हो, तो उन प्रोसेसेस के साथ फिजिशियंस, नर्सेस या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का कंप्लायंस चेक करना, ड्रग यूटिलाइजेशन पैटर्न को चेक करना और उसका डेटा स्टोर करना, आपके डिपार्टमेंट में यानी कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको मॉनिटर करना, उन एक्टिविटीज़ की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करी जाए उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना। अब जो साल भर में आपने काम किया है, जैसे कि मैंने बोला आपको कि आप क्लिनिकल फाइंडिंग्स या फिर क्लिनिकल डेटा लेते हो पेशेंट का, तो उसका एक एनुअल रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करना हॉस्पिटल के स्टाफ के सामने या फिर जो भी रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर है उसके सामने। और सबसे बढ़िया काम, आप जिस भी वार्ड में जाओगे, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, अगर आपको कोई ड्रग इन्फॉर्मेशन पूछता है तो आपको देनी पड़ेगी। कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इससे ही रिलेटेड जो आप करो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑप्शनल है, आपको अगर चाहत है तो आप कर सकते हो। जो हमने देखा कि ड्रग यूज़ मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती है उनमें आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, यानी कि आप उसका मेन हिस्सा भी बन सकते हो और वहाँ पे जाके काम भी कर सकते हो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट का भी पोस्ट निकलने वाला है, तो ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट के साथ भी कोऑर्डिनेट करने का और ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, हर एक जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, चीफ रेसिडेंट या फिर जो भी एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर हो, उनको आपके हॉस्पिटल में या फिर आपको हॉस्पिटल किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर कोई मेजर नेशनल मीटिंग फार्मेसी के रिलेटेड कंडक्ट कर रहा हो या फिर ड्रग के रिलेटेड कंडक्ट कर रहा हो तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा व्लॉगिंग वाला चैनल है,
उसको भी सब्सक्राइब करें, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर, मैंने सोशल मीडिया की लिंक्स यहाँ पे कॉर्नर्स में दी है, और दूसरे वीडियोस भी देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे वीडियोस, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जानकारी लेंगे।